जय हिंद स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। माय नेम इज मनोज शर्मा और आज हम क्लास 9th की चैप्टर 6 जो हमारा चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे, कुछ स्किप करेंगे ताकि आप घर पे ट्राई कर सकें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकें, ठीक है। सो स्टार्ट आवर वर्क। पहला क्वेश्चन जो हमारा है एनसीईआरटी का, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक फिगर दिया गया है आपको, ठीक है, एक फिगर दिया गया है जहां पर एक लाइन ए बी है, दिख रहा है आपको, दूसरी लाइन सी डी है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है। आपसे ये कहा गया कि जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन इस फिगर में है उसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद एंड देन, ठीक है ना, सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी फिर बताइए कि ए बी और सी डी पैरेलल थे। सो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम ले लेते हैं, लाइक इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, है ना। सो इसको मैं डिफरेंट पेन से मार्क कर लेता हूँ, कुछ को मान लेते हैं ए बी सी डी हो गया, ठीक है। सो एम एंड इस पॉइंट को ले लेते हैं एन, ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं बी और इस पॉइंट को ले लेते हैं क्यू। ऑलराइट, सो अगर हमको एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करने वाले हैं, एंगल पी एम ए प्लस एंगल ए एम एन, आपको दिख रहा है पी एम ए एन ए एम एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, इसका रीज़न लिखना है। सो रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं ये वाले एंगल, ठीक है। सो पी एम ए की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री गिवन है फिगर में, ए एम एन हमारा एक्स है और 180 डिग्री। नाउ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, अब हमको क्या मिलेगा माइनस करेंगे तो 130 डिग्री एक्स की वैल्यू। एक आंसर हमारा यहाँ पर हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट यहाँ की बात करते हैं, यानी वाई। सो वाई पे हम क्या देखने वाले हैं, एंड वाई या कह सकते हैं कि एंगल एम एन डी इज इक्वल टू एंगल सी एन क्यू। क्यों ऐसा है, रीजन भी होना चाहिए ना क्यों हमने ऐसा किया है। सो इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए उसके अपोजिट में एंगल्स बन रहे हैं। सो एंगल वाई इज इक्वल टू 130, ये भी हमारा आंसर बन गया। ये दोनों काम तो हो गए, यानी एक्स एंड वाई हमारा फाइंड आउट हो गया ना। अब हमारा जो काम है वो क्या है कि ए बी और सी डी को पैरेलल करना। तो ए बी और सी डी को पैरेलल कैसे करेंगे, एक्स और वाई के फाइंड आउट करने के बाद, यानी कि एक्स वाई का यूज कुछ करना है तो हम x और y के बारे में सोचते हैं। x और y का आपस में क्या रिलेशन है, अब देखें आपको सारे एंगल्स बताए गए हैं, करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर्स, अल्टरनेट इंटीरियर्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर्स, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर क्या रिलेशन है, यस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो नाउ एंगल x इक्वल टू एंगल y कैसे लिखेंगे, फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड क्या देंगे, रीजन क्या है, क्यों कह रहे हैं दोनों बराबर, दोनों की वैल्यू 130 आ रही है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम वन एंड सेकंड, यानी तो वन और टू के कारण हमारा ये हो गया 130 था। अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स
आर इक्वल देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं सो हमारे गिवन लाइन कैसे होते हैं दोनों पैरेलल। तो ये हमारा एक कंप्लीट आंसर हो गया विद फॉर्मेट। अच्छे से इसको आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट करिएगा, फिलहाल कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, एनसीईआरटी सेम एक्सरसाइज। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज 3:7। यहाँ पर कुछ फिगर में इंफॉर्मेशन हैं, पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। एक लाइन है ए बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक लाइन है सी डी, एक लाइन है ई एफ। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी कहा गया क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ सी डी पैरेलल है ई एफ के, यहाँ पर देखिए, और कहा गया कि वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7 का है। सो आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, बस आपको एक्स बताना है, करेक्ट। सो पहले हम वाई और जेड के रेशियो का कुछ फायदा उठाते हैं। सो हम लिखते हैं सिंस ए सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, हमने अपने मन से नहीं कहा, ये हमारा गिवन पार्ट है इसलिए हम कह रहे हैं कि गिवन है, ठीक है ना। देयरफॉर ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, देखिए साथ साथ यहाँ पर इसको मान लेते हैं समथिंग पी, ऐसे ले लेते हैं पी क्यू एंड इस पॉइंट को आर, ठीक है, एक नेम दे देंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो हमने कहा कि दोनों पैरेलल हैं, सो एंगल सी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एफ। अगर ये दोनों लाइन इक्वल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने इक्वल कर दिया, हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो, इसलिए इक्वल कहा हमने, नाउ सो ये हमने बना लिया एक पहला इक्वेशन। ऑल्सो एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल प्लस एंगल कहाँ गया, पी क्यू सी प्लस एंगल सी क्यू जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पी क्यू सी कौन है, वाई, और सी क्यू जेड कौन है, सी क्यू जेड आप देख रहे हैं सी क्यू सॉरी जेड नहीं आर, तो सी क्यू आर हमारा कौन है, वही एंगल जेड, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट में कहा था बराबर है, इक्वल टू 180 डिग्री। एक रिलेशन हमने ये बना लिया सेकेंड, अभी इसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं देखिए। ऑल्सो या एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, दिस इम्प्लाइज वाई बाई जेड इज इक्वल टू 3:7, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू वॉट, इसको जेड के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सो जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/3, जेड इज इक्वल टू 7/3 टाइम्स वाई, ये रहा। पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं तो हमको क्या मिलता है, जरा देखिए, जेड की वैल्यू ये रख देंगे, सो वाई प्लस 7/3 y इज इक्वल टू 180, देन 3y प्लस 7y होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 180, 10y इज इक्वल टू 180 इंटू 3, वाई इज इक्वल टू 180 इंटू 3 अपॉन 10, कैंसिल 54 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, 54। मेथड्स और भी होते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे मेथड्स और भी होते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप जैसा मैं ही कर रहा हूँ वैसा ही करिए, आप और भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं,
पर जो मुझे समझ में आया अभी मैंने इस वक्त मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सो वाई की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको तो फाइनली एक्स की निकालनी थी, हम एक्स के लिए यूज़ करते हैं। सो नाउ सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अभी मैं आपको एक मेथड सोच रहा हूँ और बता दूँ, ठीक है ना, इजी हो जाएगा, बहुत छोटा सा हो जाएगा आपके लिए। सो देखते हैं उसको, एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। नाउ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 126, ठीक है, 126 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई। हाँ, जो मैं कह रहा था आपको कि मैं फिर से आपको एक बता देता हूँ कि कैसे ये आसानी से हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। सो इनको हम कह सकते हैं कि ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं और यहाँ पर वाई एक्स सॉरी एक्स और जेड आपस में कैसे हैं, इक्वल होंगे क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, करेक्ट। तो ये हमारे x और z बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, ये आपको पता है ना। फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो हम इसके लिए कर रहे थे y निकालने के लिए, वहाँ पर हम इनके लिए कर लेंगे और z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही हमारा x भी होगा, एक साथ हो जाएगा, y निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, z के टर्म में बना लेंगे, ये मैं कह रहा था। सो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और इसको जो है आप इजली करके एक बार देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ कैसे हो सकता है, कुछ ट्राई करेंगे तभी दिमाग चलेगा, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, वेयर इज पी क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। वेयर इज आर एस टी, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130, और भी दिया गया है यहाँ पे, छूट गया, पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, एंगल पी क्यू आर इज 110। आपको क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस, क्यू आर एस ये एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमको एक कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इस आर पॉइंट पे हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि पैरेलल हो किसी एक के, मान लेते हैं चाहे पी क्यू के चाहे एस टी के। सो हमने इसको नाम दे दिया समथिंग एक्स वाई, ठीक है, दिख रहा है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है हम लिख लेते हैं, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, साथ ही साथ एंगल पी क्यू आर 110 है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री है। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमको, एंगल क्यू आर एस, हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है इसको। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, ड्रा एक्स वाई एट आर सच दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। एक लाइन हमने बनाई एक्स वाई जो कि आर पर बनाई, जो पॉइंट आर था हमारा, और इस तरह से बनाई कि वो पी क्यू के पैरेलल हो, क्लियर। नाउ तो यहाँ पर दो एंगल और फॉर्म हुए, एक ये और एक ये, ठीक है, हम इनका कुछ नाम ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं कुछ ऐसा, ग्रीन से लिखते हैं, ए एंड बी, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ से कि हमने करना क्या है, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू देयरफोर 110। अब मैं एंगल वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, एंगल 110 जो हमारा है साथ में ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को
इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट इज दिस इम्प्लाइज एंगल ए, यानी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, दिस इज 70 डिग्री, सो ए की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. सिमिलरली पी क्यू इज, ऐसे लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी विच इज पैरेलल टू एक्स वाई. अगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के तो वो पैरेलल होगा किसके, एक्स वाई के, क्योंकि हमने कॉन्स्ट्रक्शन ऐसा बनाया. सो देयरफोर 130 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि पैरेलल में को इंटीरियर एंगल्स का समीशन कितना होता है, 180 होता है. नेक्स्ट बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130, तो कितना बिना, यहाँ पर बना 50 डिग्री. एक आंसर ये, एक आंसर ये, अभी हमने निकाला, अभी हम यूज़ करेंगे, तो हमारा क्यू आर एस आ जाएगा. अब देखिए क्यू आर एस कैसे आ रहा है. नाउ एंगल या ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. लाइनियर पेयर एंगल्स, देखिए ए बी क्या है, ए कैसा है, एक्स आर क्यू, उसके बाद क्यू आर एस, उसके बाद एस आर वाई, तो ए प्लस क्यू आर एस प्लस बी सबको मिलाकर 180 है. क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए कहा गया लीनियर पेयर एंगल्स. सो ए की वैल्यू 70 डिग्री पुट करेंगे, क्यू आर एस प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 पुट करेंगे इक्वल टू 180. नाउ क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, इन दोनों का समीशन 70 प्लस 50 120 है ना, तो माइनस 120 यहाँ हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री. भाई मेरा आंसर तो 60 डिग्री आ रहा है, आप अपना बताइए. क्लियर. सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 का 6.2, और रेस्ट कुछ छोड़ा भी है हमने आपके लिए कि आप ट्राई करेंगे घर पे, और जो भी ट्राई करेंगे प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, फ्री, एकदम फ्री माइंड से कांटेक्ट करिएगा, कोई परेशानी नहीं है, आपका जवाब मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.